जब भी आप स्मार्टफोन या मोबाइल ख़रीदने जाते हो तभी एक ही ट्रेंड्स अभी हुआ है कि मेगापिक्सल, इस मोबाइल का मेगापिक्सल कितना है, ये कितना मेगापिक्सल का है, इससे पिक्चर क्वालिटी क्या है, इससे मेगापिक्सल ज़्यादा रहने से क्या ज़्यादा इसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ेगी, सिर्फ ए माइंड का सवाल आता है। इसलिए आप सर्च करते हो कि सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल कहाँ है, कौन सा मोबाइल का या कौन सा ब्रांड में है। लेकिन आप इसका फैक्ट जानते हो, एप्पल सबसे कॉस्टली महंगा मोबाइल है, फिर भी ये यूज़ करता है 12 मेगापिक्सल टू 16 मेगापिक्सल। जैसे कि गूगल पिक्सल ए भी तो 16 मेगापिक्सल के ऊपर नहीं यूज़ करता। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा ए भी 12 मेगापिक्सल यूज़ करता है। क्यों 12 मेगापिक्सल यूज़ करता है, क्या इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है? क्या रियल में मेगापिक्सल ज़्यादा रहने से क्या पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा रहती है? जस्ट आप इमेजिन करो, जैसे कि हाई लग्जरीज ब्रांड एप्पल, गूगल पिक्सल और सैमसंग, इसकी कैमरा क्वालिटी क्या रहती है? 12 to 16 मेगापिक्सल। क्यों ना ये 60 to 120 मेगापिक्सल देते हैं? क्या इनकी पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है? आप जानो या समझो कि बस इतना ही काफ़ी है कि मेगापिक्सल क्या होता है समझने के, क्योंकि इनके पिक्चर जो सेंसर रहते हैं ना वो पिक्चर क्वालिटी बढ़ाते हैं। मेगापिक्सल से जो ना सेंसर पिक्चर क्वालिटी नहीं बढ़ती है, जैसे सेंसर से। इस वीडियो में आप जान सकते हो कि सेंसर और मेगापिक्सल क्या होता है। आप टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में जाओगे तो 1 मेगापिक्सल इक्वल टू 1 बिलियन पिक्सल, यानी कि 1 बिलियन पिक्सल इकट्ठा होके या काउंट होके 1 मेगापिक्सल बनता है। ऐसा जैसा कि आपका 14 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल हो, इनटू 1 मिलियन पिक्सल से ये डिवाइड हो जाता है, इसे कहते हैं पिक्सल। वो 48 मेगापिक्सल का है या फिर 64 मेगापिक्सल का है या फिर 108 मेगापिक्सल का है, तो हम सोचते हैं कि हाँ हमारा कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। फ्रेंड्स, हमको इतना तो पता है कि अगर मेगापिक्सल बढ़ रहा है तो हमारे कैमरे की क्वालिटी भी बढ़ रही है, लेकिन हमको क्या आपको पता है कि मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो आज हम लोग इसी वीडियो में यही देखेंगे मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि 1 मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है कि 1 मिलियन पिक्सल। तो फ्रेंड्स, हम लोग के कैमरे में क्या होता है, हम लोग कैमरे में पिक्सल होता है, पिक्सल जो होते हैं हमारे फ़ोटो के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हमारे कैमरे में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे हमारी जो फ़ोटो होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो 1 मेगापिक्सल मतलब होते हैं 10 लाख पिक्सल। 1 मेगापिक्सल मतलब 1 मिलियन पिक्सल, मतलब 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कैमरा होता है, कैमरे में आप लोग पीछे हमारा जो फ़ोन कैमरा होता है उसमें आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे एक लेंस रहता है और उस लेंस में पिक्सल्स होते हैं। और उस पिक्सल का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उस फ़ोटो में लाइट कलर और कंट्रास्ट को वो लोग कैप्चर करते हैं, मतलब लाइट कलर और कंट्रास्ट की इंफॉर्मेशन को वो लोग कैप्चर करते हैं। और जब सारे पिक्सल्स आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक फ़ोटो बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा मेगापिक्सल्स होता है वो मिलियन पिक्सल्स उसको बोलते हैं, और हमारे पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उस फ़ोटो की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, मान लीजिए कि हमारा एक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और एक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कैमरे की जो लेंस की साइज़ है, अगर दोनों की साइज़ अगर सेम ही है और एक लेंस में जो है 8 मेगापिक्सल है और एक लेंस जो है वो 12 मेगापिक्सल का है, साइज़ दोनों की सेम ही है, तो फ्रेंड्स ऐसा क्या होगा कि इस वाले लेंस में 8 लाख पिक्सल हैं और इस वाले लेंस में 12 लाख पिक्सल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हो सकता है कि जो हमारे 8 लाख पिक्सल जिसमें हैं उसकी साइज़ थोड़ी, पिक्सल की साइज़ थोड़ी बड़ी हो, और जिसमें 12 लाख पिक्सल हैं उसमें पिक्सल की साइज़ छोटी कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, तब देखा जाएगा कि दोनों के कैमरे की क्वालिटी में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमारे जो आईफोन के कैमरे होते हैं वो लगभग 12 मेगापिक्सल के ही होते हैं। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर एक 64 मेगापिक्सल के अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन से अगर हम लोग फ़ोटो खींचे और वहीं पर एक आईफोन के कैमरे से अगर एक फ़ोटो खींचे तो आप देखेंगे कि आईफोन के कैमरे की जो क्वालिटी होगी वो कई गुना अच्छी होगी एक एंड्रॉयड के कैमरे से। तो फ्रेंड्स, ऐसा कैसे होता है कि आईफोन के कैमरे जो है वो कम मेगापिक्सल से ही बढ़िया फ़ोटो खींचता है? फ्रेंड्स, उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे आईफोन होते हैं उसमें जो लेंस होते हैं वो लेंस की साइज़ बड़ी होती है, और लेंस की साइज़ जितनी बड़ी होगी हमारे पिक्सल की साइज़ भी उतनी बड़ी होगी, और हमारे पिक्सल की साइज़ जितनी बड़ी होगी वो हमारे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे फ़ोटो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग को इतना तो पता है कि हमारे अगर पिक्सल बढ़ रहे हैं तो हमारे फ़ोटो की क्वालिटी भी बढ़ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे बढ़ रही है? कि जो पिक्सल्स होते हैं वो हर एक पिक्सल जो होते हैं हमारे लाइट कलर और कंट्रास्ट को कैप्चर करते हैं। तो हमारे जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे कैमरे में
उतनी ही ज़्यादा वो लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और हमारे फ़ोटो की क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड, आप जब कभी भी अपना गैलरी ओपन करेंगे और वहाँ पे फ़ोटो के इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कुछ मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं। मान लीजिए वहाँ पे लिखा है 1200x1600 लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप उतने पिक्सल्स इसमें है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको 25 पिक्सल आपको एक स्क्वायर में आपको सेट करने हैं, तो आप कैसे सेट करेंगे? 5 पिक्सल ऐसे रख देंगे, 5 पिक्सल ऐसे रख देंगे, तो 5x5 25 पिक्सल हो जाएगा। तो वहीं पे हमारे मेगा पिक्सल जो होते हैं, उसमें पिक्सल जो होते हैं मिलियंस में होते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो में हमारे पिक्सल्स होते हैं। तो हमारे फ़ोटो में जब आप कभी भी देखते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है 1152x864। तो हमारे 1 मेगापिक्सल में जो रिजोल्यूशन होता है वो 1152x864 का होता है। मतलब उसमें 1152 पिक्सल लंबाई में होंगे और 864 पिक्सल उसमें ऊंचाई में होंगे, और आप जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे लगभग 10 लाख के बराबर आएगा। इसी तरीके से हमारा जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, उसमें जो फ़ोटो का रिजोल्यूशन होगा वो 1600x1200 होगा। इसका मतलब यह है कि उसमें लंबाई में 1600 पिक्सल होंगे और ऊंचाई में उसमें 1200 पिक्सल होंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम जब कभी भी फ़ोटो खींचते हैं, तो उसमें हमारी जो फ़ोटो रहती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर हमारी एक बड़ी सी फ़ोटो बनती है। आप जब भी कभी फ़ोटो को जूम करेंगे, अगर हमारे जो कैमरा है उसका क्वालिटी कम है, मतलब वो कम पिक्सल का है, जब हम फ़ोटो को जूम करेंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फ़ोटो की क्वालिटी जूम करने के बाद कम हो जाती है। और वहीं पर हमारे पिक्सल्स, अगर फ़ोटो में हमारे पिक्सल्स अगर ज़्यादा हैं, तो जूम करने के बाद भी हमारे कैमरे की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी आती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमारे फ़ोटो में पिक्सल्स ज़्यादा हैं, तो जूम करने के बाद वो पिक्सल्स उसमें ज़्यादा ही रहेंगे और हर एक पिक्सल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए रहते हैं, और ज़्यादा पिक्सल रहने पर हमारी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो DSLR के कैमरे होते हैं, लगभग मान लीजिए एक DSLR का कैमरा है, उसका जो कैमरे की क्वालिटी है वो 24 मेगापिक्सल की है, और वहीं पर एक फ़ोन है जिसकी जो है कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है। लेकिन हम अगर वहाँ पे एक फ़ोटो खींचें DSLR से और एक फ़ोटो खींचें एंड्रॉयड से जिसकी 64 मेगापिक्सल है, तो आप देखेंगे कि जो DSLR का कैमरा है वो लगभग उससे जो फ़ोटो आएगी वो कई हज़ार गुना बेहतर होगी एक एंड्रॉयड फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है कि जो DSLR कैमरा जो है वो कम पिक्सल का है, लेकिन तब भी उसकी क्वालिटी ज़्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे जो DSLR कैमरा होता है, उसका लेंस की साइज़ होती है वो एंड्रॉयड की साइज़ से बहुत बड़ी होती है। तो बड़ी साइज़ होने के कारण जो उसमें पिक्सल्स होते हैं, उसकी साइज़ भी वहाँ पर बड़ी हो जाती है। तो पिक्सल की साइज़ जितनी बड़ी होगी, हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे और हमारी फ़ोटो की क्वालिटी भी वहाँ पे उतनी ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे कैमरे के लेंस की साइज़ भी अगर बढ़ रही है, तो वहाँ पे फ़ोटो की क्वालिटी भी बढ़ेगी। सिर्फ पिक्सल्स की संख्या बढ़ने से हमारे फ़ोटो की साइज़ भी नहीं बढ़ती, वहाँ पे लेंस की साइज़ भी देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कभी फ़ोन लें, तो वहाँ पे पिक्सल्स भी देखें कितने हैं और हमारे लेंस की साइज़ भी देखें कि बड़ी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मेगा पिक्सल का मतलब क्या होता है, और हमारे फ़ोन में लेंस जो होते हैं वो लेंस की साइज़ बढ़ने से हमारे फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।